भरतपुर पत्नी के बीच खेला जा रहा है, जिसमें अमन कनेक्शन ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और 12 ओवर का मुकाबला दोनों सलामी जोड़ी ग्राउंड में जा चुकी है। बल्लेबाज लोग अपना बता दें। तो बहुत बड़ा मुकाबला, कुछ भी हो सकता है इस मुकाबले में। बॉलर नेम भैया, दोनों टीम के खिलाड़ी अतिरिक्त एक एक गेंद गया भेजे कप्तान महादेव। दोनों टीम मैच एक गेंद पर महादेव, दोनों टीम के कप्तान महादेव एक एक अतिरिक्त खिलाड़ी कमेटी बॉक्स में भेजिए। कोई आ रही है गाड़ी लगा लो है, चलिए आप वहीं से बताते हैं। लेकिन बल्लेबाजी वाली जो टीम है भैया, कप्तान महोदय इस बात का ध्यान, तुरंत अपना एक्स्ट्रा खिलाड़ी यहां भेजिए। बैट्समैन नेम बोले नेम भैया, क्या नाम है? नहीं भाई, सरफराज बाहुबली नहीं है इसमें। ताज दिलसाद, तो दिलसाद है गेंदबाज। और बैट्समैन रिंकू और विजय। तो बाबरो 12 ओवर का मुकाबला, कृपया दर्शक जो भी बाउंड्री लाइन के अंदर आप लोग बाहर हो जाइए, संभवतः अगर खिलाड़ी भी अगर अंदर हो तो आप लोग भी बाहर हो जाइए। चलिए दिल साथ सामने है रिंकू, साथ लगाया गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर 6 रनों के लिए। शानदार बल्लेबाजी, काबिले तारीफ बल्लेबाजी। बच्चे तुरंत गेंद दे दे, नहीं भाई जायद भी नहीं है इसमें। चलिए दिल साथ के अगली गेंद एक बार फिर सामने है रिंकू, बहुत ही शानदार गेंदबाजी। दर्शकों को बता दें आज का पहला दिन दूसरा मुकाबला अमन मेंस कलेक्शन वर्सेस तिरुपति के बीच खेला जा रहा है। चलिए एक बार फिर अगली गेंद, बल्ले का बॉल खतरा हो सकता था लेकिन नहीं पता चूके और ये विकेट हो सकता था। प्रयास तो करना चाहिए था खिलाड़ी को, प्रयास किए होते तो संभवतः ये विकेट तो जरूर मिल गया होता। नहीं भाई, आजमगढ़ का टीम कोई नहीं है। तो अब बल्लेबाजी के लिए संभवतः विजय गेल होंगे तो हाथ उठाएंगे, तो विजय गेल है बल्लेबाज। ये मुकाबला चलता हुआ और ये जोरदार अपील, ओवर की समाप्ति, एक ओवर समाप्ति, स्कोर है 7 रन। बॉलर नेम भैया सोनू, गोलू, तो गोलू है, गोलू है गेंदबाज और इनको है बल्लेबाज। नहीं भाई, सरफराज खान भी नहीं है इसमें, सरफराज बाहुबली भी नहीं है। ठीक है भाई, चलेंगे गेंद गोल सामने बल्लेबाज रंकू। मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा, दर्शक देखना ना भूले। बराबर का मुकाबला है, चले गोल अगली गेंद सामने है रंकू।
बढ़िया गेंदबाजी दो गेंदे कोई रन नहीं अभी तक तो अच्छी गेंदबाजी ये टीम है ना अमन कलेक्शन और शून्य सात छह रन बढ़िया बल्लेबाजी चले एक बार फिर हल्का तो कैच ड्रॉप बहुत गलती कर रहे हैं भैया टीम ऐसी गलती करेंगे तो भैया टूर्नामेंट के आपको पहले में से बाहर होना पड़ेगा प्ले इलेवन नहीं मिला है तो हम ये नहीं बता सकते कौन तो ऐसे टीम के खिलाफ अगर इस तरह का प्रदर्शन रहेगा तो बता सकते हैं तो फिर तो दिक्कतें आ सकती है बहुत ही इजी कैच था पवेलियन वापस चले गए होते बल्लेबाज चले पत्थर अगली गेंद ये बढ़िया गेंदबाजी बढ़िया जबरदस्त वापसी हाँ भाई रवि यादव हैं चलो गोलू अच्छी गेंदबाजी करा रहे हैं गोलू बढ़िया मुकाबला चल रहा है श्री गणेश मारे गुंडर कॉलेज के ग्राउंड पे टाउंट ऑफ इंश्योरेंस हाटा हाँ भाई रवि यादव हैं और यहाँ कोई गलती हुई की और वो भी गेट तो बहुत बड़ा विकेट काबिले तारीफ गेंदबाजी और उतनी ही अच्छी फील्डिंग की हो लवान के खड़े खिलाड़ी ने तो बढ़िया विकेट वापस तो ले लिया रिंकू तो गोलू को मिली पहली सफलता नाम शानदार गेंदबाजी जितनी तारीफ की जाए इस गेंदबाज की उतनी कम और उतनी ही काबिले तारीफ फील्डिंग जबरदस्त मुकाबला बड़ा दिलचस्प होगा आप किधर अच्छा चलो अब गेंदबाजी के लिए संभव तो चलिए ठीक ठीक शुरू करिए ये बढ़िया गेंदबाजी क्या लाजवाब गेंदबाजी बांध के रखा अभी तक इस ओवर में गोलू ने कहीं से कोई मौका नहीं दे रहा खुल के खेलने के लिए बल्लेबाजों को अफसोस की सजी हुई टीम है अमन मेंस कलेक्शन पूरा एक से लेकर ग्यारह तक एकदम चले गोलू हाँ भाई विजय गेल है इसमें और ये पकड़ा जा सकता था गेंद लेकिन काफी धीमे रहे खिलाड़ी चार रन चलो एक बाउंड्री बॉलर ने ये बल्लेबाजी ये है विजय गेंद सुंदर सात छह रन गेंद दो लड़के तुरंत गेंद दे दे बच्चे तुरंत गेंद दे दे जो लाइनमैन है छोटे बच्चे शाम को अपना इनाम ले लेंगे गेंद दे दीजिए आप लोग ये मैच बारह बारह ओवर का हो रहा है भैया चलो एक बार फिर अगली गेंद सुंदर साठ लगा बाउंड्री के क्षेत्र में गेंदबाजी से बाहर छह रनों के लिए तो डबल जंप बड़ा सिक्स एकदम है तो पार कर वरना बर्दाश्त कर बैक टू बैक दो बाउंड्री कुछ भी हो क्रिकेट है हो सकता है क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है
डिपेंड करता है दिन पे किस खिलाड़ी का दिन है किस खिलाड़ी का दिन नहीं है। तो अच्छे अच्छे खिलाड़ी शून्य पे आउट होते हैं। नहीं पता है भाई उनका मैच कहाँ हो सकता हो कि आप भी दिन हो कई खिलाड़ियों का शून्य पे आउट हो सकता है मार सकता है तो कुछ भी हो सकता है। चलिए एक बार फिर रन ये भाई तो फ्लैट से फाड़ दिया आप तो। चलिए फ्लैट फॉर स्कूल प्रोपेटल अरुण सिंह पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस हाथा किसी भी गाड़ी का बीमा कराने तो संपर्क कर सकते हैं पॉइंट ऑफ इंश्योरेंस कोटवाली के ठीक सामने जिसके प्रोपेटर हैं साजिद भाई। कल्याण शांतिपीठ माधव साहब के बगल में नेशनल हाईवे मानव श्री चेहरे पुरस्कार कमलेश सिंह जी की तरफ से दिया जाएगा। इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष प्रमोद शर्मा बधे निदेश मिश्रा महामंत्री रंजन सिंह टीम मैनेजर विद्यासा कीर्ति क्लब प्रशांत सिंह जी अखिल मालवीय जी शेखू खान रवि सिंह अभय तिवारी जी विश्वजीत बाबा अभी तक दिखाई नहीं दिए कहाँ है भाई गेंद भाई लड़के गेंद भाई बच्चे कहाँ है जो गेंद ला रहे हैं गेंद खेल दे रही है स्कूल में गेंद गई है बॉलर नेम भाई कब उनका मैच है तो तीन ओवर समाप्त स्कोर है 35 गोलू तो गोलू आए हैं गेंदबाजी के लिए। चलो अगर डायरेक्ट हिट होता तो विकेट हो सकता है। छोटे खिलाड़ी भी ठंडी लग रही है इनको धूप सूर्य भगवान तो अपना झलक दिखा दिए हैं लेकिन कानों में इनके बहुत ठंडी लग रही है। चलिए मुकाबला चलता हुआ गोलू है गेंदबाज विजय गेंद है बल्लेबाज बहुत ही सुंदर सात छह रन गेंद दे दो सर बच्चे गेंद दे दो स्कूल के अंदर गई है दीवार पे लड़के बाबू गेंद गई है दे दो और एक इधर गेंद गई है तुरंत गेंद दे दे गेंद दो भाई गेंद दो लड़के एक नई गेंद दे दीजिए सामने है विजय अच्छी वापसी अंदर की तरफ आई गेंद छह मुकाबला चलता हुआ हाँ भाई गेंद ये संभवता खतरा हो सकता था लेकिन जोरदार अपील उत्साह ज्यादा विश्वास कम एम्पायर पे काफी दबाव बनाया जा रहा है। मैं बता दूं कि एम्पायर काफी अनुभवी हैं दिल्ली से बुलाया गया है मेन एम्पायर अखिल मालवीय जी जो फिरोजा कोटला में क्रिकेट खेलते थे। मैं बता दूं अपने जमाने के स्टार है यहां कोई खिलाड़ी ही नहीं है जो उनकी जिसकी मैं तुलना उनसे कर सकूं। अब आगे का आंखों देखा हाल सुनेंगे नितेश मिश्रा जी सात चार रन चार था एम्पायर चार रन तो चार रन की वजह से स्कोर पहुंच गया है 46 रन। नहीं पता है भाई कब उनका मैच है चलो अगेन सात चार रन एक और चार ओवर समाप्त चार ओवर समाप्त स्कोर है पचास रन।
असरदार मुकाबला चलता हुआ। बॉलर ने भेजा नहीं पता है भाई वो आएंगे खेलने या नहीं आएंगे। काफी गेंद गायब हो चुका है, अभी शुरुआती ओवर चल रहे हैं। बढ़िया गेंदबाजी, रन आउट होने का खतरा हो सकता है लेकिन खराब फील्डिंग। अब पायर एक गेंद ले ले, मुन्ना तो मुन्ना है गेंदबाज, गेंदबाजी तो बढ़िया हो रही लेकिन फील्डिंग भी बढ़िया करना होगा तुरपट्टी के खिलाड़ियों को, सपोर्ट करना होगा अपने बॉलरों को। और इस बीच तैमूर खान और साहब हमारे बीच मैच का आनंद लेते हुए और उनकी टीम भी खेल रही है अमन कलेक्शन। राइट, बढ़िया की आउट आउट क्या। अब जा रहे हैं हाटा नगर पालिका के खिलाड़ी हैं शिवम राय, इनका निवास स्थान तगरा वार्ड नंबर 5 के रहने वाले हैं। बहुत बड़ा नाम ये चेहरा आप सभी के बीच का ही है, इस चेहरे के बारे में क्या क्या कहूं मैं, जितना ही तारीफ किया जाए इस चेहरे के बारे में उतना ही कम। शिवम राव छिलगली गेंद, ओ माय गॉड, नीचे रही गेंद, खाता खुला, चलिए एक रन से। बहुत कुछ देखना अभी बाकी है इस मुकाबले में। हाँ वही है, चलिए एक बार फिर शॉट लगाया है खिलाड़ी मौजूद और ये 6 रन। ये फाइनल 26 को होगा यहाँ का फाइनल। नहीं पता है भाई मुलायम है या नहीं है। एक और फील्डर तो दो रन आए हैं सिंह में हो रहा है मुकाबला, बड़ा दिलचस्प होगा। एक पुरस्कार आया है अमन मेंस कलेक्शन के बल्लेबाजों के लिए, बहुत बड़ा पुरस्कार है लेकिन भैया तो पुरस्कार यहाँ जमा करवा दीजिए। भाई झाटा में हो रहा है भाई, प्रमोद शर्मा जी के पास भैया आ जाइए।
पता है, मैं प्लेयर और नहीं मिला है तो हम ये नहीं बता सकते हैं कौन कौन खेल रहा है कौन कौन नहीं खेल रहा है। पांच ओवर समाप्त 61 रन। लाइव वाले भाई साहब थोड़ा सा चले जाइएगा। तो पुरस्कार आया है बल्लेबाजों के लिए, बड़ा तो नहीं है लेकिन बहुत छोटा भी नहीं है। जैसे कोई भी बल्लेबाज अगर 50 मारता है तो 500 रुपए का पुरस्कार तैमूर खान की तरफ से दिया जाएगा, जो अमन मेंस कलेक्शन के स्पॉन्सर है। पैसे मेरे पास जमा है 500, ध्यान दोगे इस नोट पे। बहुत ही लाजवाब बल्लेबाजी और उतनी ही काबिलियत तारीफ गेंदबाजी। चले बस फिर अगली गेंद, गजब की गेंदबाजी भैया, गजब की गेंदबाजी, गजब शानदार गेंदबाजी इस गेंदबाज के द्वारा। जैसे लगता है कि इनको श्रीलंका से बुलाया गया, बहुत टाइट। चले जोरदार अपील स्टंपिंग की है वहां पे, लेकिन एक बार का फेल हुई, नकारा इस अपील को। क्या गजब की गेंदबाजी, ऐसे अगर 3-4 गेंदबाज किसी की टीम में रहे अगर तो सामने वाली टीम को 10-20-50 रन पे धाराशाही कर देंगे। तो इस गेंदबाज का संभवतः नाम सुनाई दिया कि इनका नाम गांगुली है। चलो गांगुली सामने है शिवम राव, तबके विकेट 6 रन। तीसरी गेंद की थी तलाश, गेंद मिल गई और जड़ा उसमें एक छक्का। नहीं भाई, अब भी यादव आउट तो नहीं हुए हैं, पर अभी इन लोग का प्ले 11 नहीं मिला है तो हम ये नहीं बता सकते अभी यादव है या नहीं है। और खामियाजा विकेट तो बहुत बड़ा नाम, लेकिन अब वापस तबली ना खुश होंगे अपनी बल्लेबाजी से। एक छक्का जरूर आया था इस ओवर में, लेकिन सफलता बड़ी मछली फंसाई अपने जाल में गेंदबाज गांगुली। गजब की गेंदबाजी भैया, एक छक्का दिए हैं लेकिन विकेट तो भैया बहुत बड़ा विकेट लिए है। अब सोच कोई बात नहीं, बहुत ही बड़े बड़े बल्लेबाज है उस टीम में। संभवतः बल्लेबाज अगर विनय यादव होंगे तो हाथ उठाएंगे। जी हाँ, विनय यादव जी आए हैं। भाई हमें नहीं पता है उनका मैच कब है, तो हम कैसे तो विकेट गिरा है। तो एक बार पुनः फिर मैं इनाम की घोषणा कर दूं कि कोई भी बल्लेबाज अगर फुट्टी मारता है तो अमन मेंस कलेक्शन के स्पॉन्सर तैमूर खान में चाहूंगा एक बार थोड़ा सा भी हाथ वहीं से उठा दे, थोड़ा सा खड़े हो जाए ताकि लोग देख ले। भाई इस टीम के स्पॉन्सर आ चुके हैं तैमूर खान, इनका YouTube चैनल भी है। अभी इनका नाम थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हूँ YouTube चैनल के मामले में, तैमूर खान ऑफिशियल, ऑफिशियल तैमूर खान। चलिए मुझे कुछ पता था। अभिया चलिए तो विकेट, बड़ी मछली फंसाई है, क्या बात है भाई, बहुत बड़ा। चलिए गांगुली एक बार फिर अगले गेट सामने है विनय, एक बार फिर बल्ले का बाहरी किनारा लेकिन पहुंच से काफी दूर, ओवर की समाप्ति। ओवर 70 रन। माफ करिएगा भाई, देखिए उस गेंदबाज के लिए कितनी प्रशंसा, 2-4 दर्शक उसके सपोर्ट में है लेकिन दिल से है। जो भी दर्शक बंधु अगर बाउंड्री लाइन के अंदर है तो कृपया बाहर हो जाए, संभवतः अगर खिलाड़ी भी हो तो कृपया आप लोग बाहर हो जाइए। अच्छे खिलाड़ी है, खिलाड़ी का आप लोग परिचय दे तो कृपया बाउंड्री लाइन के बाहर ही रहे। अमन मेंस कलेक्शन कृपया ध्यान दें इस बात को, थोड़ा सा आप लोग पीछे हो जाइए। चलिए बार फिर नहीं, वो भी नहीं है।
हरीश मंसूरी भी नहीं है भैया यहाँ पे। बोलो नहीं बोलू मुन्ना, तो मुन्ना है। ये मैच छाटा में हो रहा है ओवरब्रिज के पास। अब चले मुन्ना सामने हो गए। और ये बढ़िया गेंदबाजी। इस बल्लेबाज की जितनी तारीफ की उतना कम। सचिन गेंद दे दे तुरंत, दर्शक गेंद दे दे। नहीं भाई सरफराज बाहुबली नहीं है यहाँ पे। चले ये जबरदस्त वापसी। तो कोई भी बल्लेबाज फूटी मारता है तो 501 रुपए का पुरस्कार जो हमारे पास मौजूद है। और ये बल्लेबाज भारी किनारे की मदद थोड़ी सी मिस करके दो रन से बाहर 4 रनों के लिए। तो शानदार चौका, संभवतः अगर कैच पकड़ लिए होते तो एक और विकेट गिर गया होगा। हाँ भाई शिवम भाई की टीम सही तरीके से अगर गेंद बल्ले पे आई होती तो 6 रन होता। चलिए एक बार फिर मुन्ना के लिए सामने है सचिन। नहीं पता है भाई ये साथ लगाया है खिलाड़ी मौजूद। जैसे अभी तक मैं देखा हूँ इस खिलाड़ी के पास जब भी गेंद गई है तो ये फर्स्ट टाइम मैं नहीं पकड़े हूँ। लेकिन ये है कि गेंद नहीं जा रही है, एक चीज तो देखना पड़ेगा। संभवतः लगता है पैर में कुछ इंजरी है इनके, इसी वजह से थोड़ा सा झुकने में दिक्कत है। लेकिन फील्ड मिस्फील नहीं हो रही, ये नहीं कि गेंद बाउंड्री लाइन से बाहर चली जाए, ऐसा कुछ नहीं है। चले फिर एक बार फिर गांगुली। हो बल्लेबाज है सचिन। चले अगली गेंद। ओह माय गॉड क्या गजब की गेंदबाजी। 2-3 साल पहले ऐसे ही एक बुमराह आए थे कमलेश जी की टीम में। गांगुली चले अगली गेंद। और ये खतरा हो सकता है, जी हाँ कोई गलती रहेगी तो बड़ी मछली फंसाई एक बार फिर अपने इस ओवर में। भैया 2 ओवर थे, दूसरा ओवर है और दोनों ओवर में विकेट, एक विकेट में शिवम राव और इस ओवर में सचिन। ओ माय गॉड नीतीश बाबा क्या कहना चाहेंगे। नाम भैया तो बल्लेबाजी के लिए जा रहे हैं मोहित। अभी एक बल्लेबाज आना बाकी। आंखें तरस रही उस बल्लेबाज को देखने के लिए। हाथा के दर्शक ये चाहते हैं कि वो बल्लेबाज कब आएगा। सुजीत खान भाई साथी खिलाड़ी है तो हक तो बनता है। चले गांगुली मोहित 6 रन, विकेट हो सकता था लेकिन 6 तो बाल बाल बचे। शानदार मुकाबला, अच्छी बल्लेबाजी करते हैं मोहित, जितनी तारीफ की जाए कम। गेंद दे दो भैया, कैसे गेंद दे दो बाबू, गेंद फेंको बच्चे, गेंद दे दो भाई। चले अगली गेंद। क्या गजब की गेंदबाजी भैया, गेंद गिर रही कहीं और जा रही कहीं और, काबिले तारीफ गेंदबाजी, क्या गजब का टर्न है।
सुनो भी गो ये फुटास के अच्छा रन तो कहीं ना कहीं कोई गलती की है गेंदबाज ने खामियाजा अच्छा रन अच्छा बल्लेबाज है मोहित तो मुकाबला देर से दर्शकों को बता दें कि आज का ये पहला दिन दूसरा मुकाबला चल एक बार फिर गांगुली अगले के सामने है मोहित गजब की गेंदबाजी ओवर की समाप्ति 8 ओवर समाप्ति स्कोर है 92 रन विश्वजीत बाबा अगर हमारी आवाज आप तक पहुंच रही हो या लाइव के माध्यम से अगर आप हमें सुन पा रहे हो हाँ भाई रवि यादव तो कृपया कमेटी बॉक्स में संपर्क करें अगर घर हो तो लाइव के माध्यम से अगर हमारी आवाज आपको पहुंच रही हो तो कमेटी बॉक्स में संपर्क करें अर्थात अगर कहीं ग्राउंड के आसपास हो तो भी आप कमेटी बॉक्स में संपर्क करें चले मुन्ना सामने है विनय भाई उन्होंने अभी प्ले 11 नहीं दिए तो हम काफी अच्छी गेंदबाजी प्ले 11 नहीं शो कर सकते तो पुरस्कार कोई भी बल्लेबाज अगर अमन मंच कलेक्शन का अगर 50 मारता है तो 500 रुपए का पुरस्कार तैमूर खान की तरफ से दिया जाएगा जो अमन मंच कलेक्शन के स्पॉन्सर है बहुत लंबा शॉट इस प्रतियोगिता का अभी तक के 2 मैचों का सबसे लंबा छक्का है ये गेंद दे हाईवे से गेंद दे दर्शक वहां से कोई गेंद दे और कृपया आप लोग रास्ते से थोड़ा सा आप लोग किनारे हो जाइए क्योंकि गाड़ियां जो जा रही है उनको जाने दें इस मैच का लाइव आप देख सकते हैं घर बैठे जैसान क्रिकेटर सलीमपुर फेसबुक पे जाइए यूट्यूब चैनल है सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए चलिए बस फिर अगली गेंद अगेन शॉट अनदर बाउंड्री 6 रन ये तेरे बच्चे तुरंत कूद जाओ हाईवे से गेंद आई एम्पायर महोदय शेखू खान चले मुकाबला चलता हुआ इस प्रतियोगिता के अध्यक्ष परवेश शर्मा उपाध्यक्ष नितेश मिश्रा महामंत्री रंजन सिंह विकेट अनदर विकेट एक और विकेट अच्छी बल्लेबाजी हो रही थी इमरान लेकिन क्या करें विकेट गिर गया अफसोस कोई बात नहीं क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है नाम भैया अभी बल्लेबाज भारत पटाखा आए हैं बल्लेबाजी के लिए मैं बता दूं टीम में कोई कम नहीं है एक चले की 11 तक ऑलराउंडर है सब बल्लेबाज है चले भारत चले एक बार फिर क्रिकेट है कुछ भी हो सकता है दिन है खिलाड़ी का कहीं शतक तो कहीं शून्य भी होता है चले अगली गेंद मुन्ना के सामने भारत जोरदार अपील उत्साह ज्यादा विश्वास कम एम्पायर है शेखू खान कीपिंग के बारे में बता दो काबिले तारे विकेट कीपिंग वाह गजब की विकेट कीपिंग भैया चले एक बार फिर अगली गेंद और आप इस दो एम्पायर का कॉल वाइट नहीं पता है भाई बच्चों का मैच कब है मुन्ना की ये क्या शॉट लगाया तो ये तो इनका जोन है यहां फेंकते रहिए और खाते रहिए 6 रन ओवर स्कोर बता दे 9 ओवर समाप्त स्कोर है 111 रन अब एक बार फिर आ गए हैं गांगुली संभवतः ये 2 ओवर फेंके 2 विकेट लिए हैं तीसरा ओवर लेके आए हैं
क्या किसमें कौन होता है भारी देखना बाकी। क्यों मंत्री, क्या गांगुली बल्लेबाजों पे भारी होंगे या बल्लेबाज गांगुलों पे भारी देखना बाकी। क्या गजब की फील्डिंग देखी, उनको विश्वास है कि उनकी गेंद पे गेंद बाउंड्री लाइन की तरफ ले जाएगी। मैं कहा था लेकिन कैच छूट गया, अफसोस। प्रयास काफी अच्छा था विकेट कीपर के द्वारा, प्रयास काफी अच्छा था, इसका भी तारीफ, गजब की विकेट कीपिंग। मैं कहा, अभी बता ही रहा था कि हर ओवर में इनके विकेट गिरा है, इस ओवर में मछली फंसा दिए थे अपने जाल में, लेकिन चूके विकेट कीपर। चल एक बार फिर अगली गेंद, चलिए तब आइए कैच ड्रॉप किए तो छह लीजिए। शानदार बल्लेबाजी मोहित नगर, लेकिन उतनी ही तारीफ इस गेंदबाज की। गेंद दे दे भैया, कल से गेंद दे दीजिए। चल एक बार फिर गांगुली, अगेन शॉट, छह रन। गेंद दे दे भैया, उतरन जाओ, तुरंत जाओ भैया, गेंद दे दो। हैट्रिक पर 200, चलिए वह पुरस्कार है, हैट्रिक मारिए 200 एक लीजिए तैमूर खान की तरफ से। चलिए बहुत ही शानदार सदे भैया, यही तो और लंबा मार दिए, वो तक के ऊपर तो उतना सबसे लंबा छक्का। चलिए भैया 200 रुपया तुरंत तैमूर खान ने भेजवा दीजिए, मेरे पास 200 है भैया, मैं दे दूंगा, इस तरह की बात तो है। 500 का नोट है, 200 रुपया मोहित पासवान आप हमसे ले सकते हैं। गेट तुरंत दे दो भैया, हाईवे वाली गेट दे दीजिए, उस पार गई है। राज मोटर्स भैया, राज मोटर्स अगर कोई सोनू होगा वहां तो भैया थोड़ा सा गेट यहां भिजवा दीजिएगा। ये देखिए तीन बाउंड्री आई है, लेकिन ये मछली फंसा ली, पहली गेंद पे जाल में फंसाई थी मछली को, लेकिन कैच छूटा था, प्रयास था विकेट कीपर का, और खामियाजा तीन छक्के मिले हैं, लेकिन इस बार फिर विकेट गिरा। आंखें तरस गई है देखने को, अफसोस। विकेट बल्लेबाज है सत्यम सिंह, सिसवा की सरजमी से चल के आए हैं, अच्छे खिलाड़ी हैं सत्यम सिंह सुरनेत। आंखें तरस गई है देखने को उस बल्लेबाज को कि कब आएगा वह बल्लेबाज बल्लेबाजी के लिए। बाबू हटो, क्या हुआ, चले गांगुली, तीन ओवर तीन विकेट तो ले चुके हैं, चले। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी भाई, जितनी तारीफ की जाए इस बल्लेबाज की कम। सत्यम सिंह सिरनेत, ओवर की समाप्ति, 10 ओवर समाप्त, स्कोर है 135। गेंद दे दे भैया, चार छक्के लगे उस ओवर में, ये सफलता मिली है मोहित पासवान। मोहित जी तुरंत आइए कमेटी बॉक्स में, बकाया रहेगा तो बकाया ही हो जाएगा, तुरंत आइए, तुरंत आइए, खुला लेकर आइएगा। चले गेट, यार भैया गेट दर्शक लाइनमैन जो भी बच्चे हैं गेट देते। 10 ओवर 135 रन, हर ओवर के बाद मैं बोल रहा हूं, और जो 201 रुपए का पुरस्कार है मैं चाहूंगा भाई प्रशांत भैया के हाथों।
बोलो नहीं बदर गोलू है क्या? दिलसाद है कि गोलू है? दिलसाद अगर होंगे तो हाथ उठाएंगे। तो दिलसाद है बॉलर और बल्लेबाज है भारत। रिंकू भाई नहीं है भाई यहाँ पे। चलो दिलसाद सामने भारत अगली गेंद और शुरुआत। बीच राजन भाई जो हम सभी के बीच में उपस्थित। चले मुकाबला चलता हुआ देर शायद दर्शकों को बता दे आज का पहला दिन दूसरा मुकाबला। त्रिपट्टी वर्सेज अमन मेंस कलेक्शन हाटा के बीच खेला जाने वाला मुकाबला। दिलसाद चले आगे सत्यम है मल्ले का बाहरी समझौता किनारे लगा हुआ था काफी पहुंच से दूर तो अच्छी वापसी। मुकाबला चलता हुआ वो थोड़ा माइक बंद किए थे भाई यहाँ पे गाली गलौज हो रहा था। तो चलिए एक बार फिर दिलसाद अगेन शॉट अगेन द बाउंड्री छह रन। गेंद दे भैया तुरंत गेंद दो बच्चों भैया बहुत गेंद गायब होती है। अगली बार टूर्नामेंट में सोचा जाएगा हरी वाली गेंद से प्रतियोगिता कराया जाएगा। हैट्रिक फिर 200 300 हैट्रिक पे चलिए हैट्रिक मारिए। बॉल दो तो भैया बॉल दीजिए। दर्शक गेते थे बच्चे गेते तुरंत ये देखिए ये भी एक सोचने वाली बात है। गेंद तुरंत दे भैया गेंद दे कि बल्लेबाज अभी बल्लेबाजी करने के लिए आया नहीं लेकिन पुरस्कार अभी से है। सुजीत खान के हर छक्के में 500 रुपए का पुरस्कार मलिंगा की तरफ से। ये क्या बता दो आप सभी लोगों को कहते हैं कि भाई टूर्नामेंट है ये है वो जो भी है दूसरा मैच है और डेढ़ डब्बा गेंद गायब हो चुका है। एक डब्बा गायब और तीन गेंद इसमें से गायब हो चुकी है। दो डब्बा गायब हो गया भैया बताइए। अगेन साथ खिलाड़ी मौजूद संभवत गांगुली है और ये विकेट ये क्या है? तो विकेट गिरा है सत्यम सिंह का। हमें बल्लेबाजी के लिए आ रहे हैं जय सिंह। कई विकेट गिर गया है सात।
भाई कौन है? चलो अगली गेंद, दूसरा धो गेंदबाज। ओवर की समाप्ति, 11 ओवर समाप्त, स्कोर है 142। 7 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अभी तक प्लेयर लिस्ट नहीं आई है दोनों टीमों की। अभी आप बोलर नेम, चलो अंतिम ओवर, तीन बॉल कर दिया है बल्लेबाज को। अब बल्लेबाजी के लिए संभवता आज है। तो 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं। अब बल्लेबाज अजय अगर होंगे तो हाथ उठाएंगे। तुरंत मैं स्कोर बोला हूं, आप थोड़ा सा ध्यान दें, 142 में बोला हूं, 11 ओवर समाप्त और 8 खिलाड़ी आउट हो चुके हैं और अंतिम ओवर का संभवतः एक गेंद हो भी चुका है, मात्र 5 गेंद का खेल। यह मैच 12 ओवर का है भाई। तो हैट्रिक विकेट का चांस और ये विकेट अंतिम जोड़ी सचिन। हैट्रिक विकेट पे 1000 भिजवा दीजिए तुरंत उसामा खान की तरफ से। चलिए अगर बल्लेबाज गेंदबाज अगर हैट्रिक विकेट लेता है तो 1000 का पुरस्कार भैया उसामा खान की तरफ से। तैमूर खान जो अमर मेंस कलेक्शन, जो अपोजिट टीम आपके, जो विपरीत टीम जो बल्लेबाजी कर रही है उस टीम के स्पॉन्सर की तरफ से, उनकी टीम बल्लेबाजी कर रही है लेकिन वो अपने विपक्षी टीम के जो गेंदबाज है उनके लिए भी पुरस्कार है। हैट्रिक मारी है 1000 लीजिए। ओसामा खान दोबारा भी मौजूद है। चलिए चुके, चलिए एक और पुरस्कार आ गया है। इस दोनों मुकाबले इस मैच में दोनों टीमों में जो भी टीमें जीतती हैं तो 500 रुपए का पुरस्कार शिफा मुरादाबादी चिकन बिरयानी की तरफ से दिया जाएगा। जो 500 रुपए का पुरस्कार हमारे पास है कप्तान महोदय तुरंत संपर्क हमसे कर लेंगे जो भी टीम जीतेगी। चले अगली गेंद, सचिन है बल्लेबाज 4 रन। शिफा मुरादाबादी चिकन बिरयानी जीतने वाली टीम को 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। शिफा मुरादाबादी जीतने वाली टीम को 500 रुपए, हमारे पास पुरस्कार मौजूद है। चले एक बार फिर, बढ़िया गेंदबाजी, तो बढ़िया मुकाबला। चले सचिन एक बार फिर बल्लेबाजी के लिए। खिलाड़ी मौजूद, दर्शक बने खिलाड़ी 6 रन। ओवर की समाप्ति, तो 12 ओवर समाप्त, स्कोर है 152 रन। 15 मिनट का ब्रेक,